सो हेलो गाइस, माई सेल्फ विश्वजीत पात्रा एंड यू आर वॉचिंग स्टूडियो लर्न इंडिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सभी को पता है, परसों हम लोगों ने हमारी नया सॉफ्टवेयर एल्बम एक्स प्रो 3.0 को लॉन्च किया है। एल्बम एक्स 3.0 लगातार डेढ़ साल से भी ऊपर हम अपने यूजर को प्रोवाइड कर रहे थे ओनली फॉर एग्जीबिशन में। फिलहाल अभी एल्बम एक्स ऑनलाइन पे अवेलेबल है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी ओल्ड यूजर जो एल्बम एक्स की 1.0 2.0 यूज कर रहे थे, उन लोग अपने सॉफ्टवेयर को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे अपडेट करेंगे। हाँ, जो हमारे ओल्ड यूजर है उन लोग को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट देने की बात करते हैं एग्जीबिशन पे। और आज के वीडियो के अंदर हम लोग आपको कैसे आप अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करेंगे इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। जो सॉफ्टवेयर आप लोग एग्जीबिशन में परचेस करते हैं उस टाइम पे हम लोग आपको एक बिल प्रोवाइड करते हैं, वो बिल आपके पास रहना इम्पॉर्टेंट है। हम लोग एग्जीबिशन पे भी ये बोलते हैं, अदरवाइज आपके पास पेमेंट स्क्रीनशॉट होगा तो भी चलेगा। तो चलिए कैसे जान लेते हैं सॉफ्टवेयर को अपडेट करेंगे। सॉफ्टवेयर अपडेट करवाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखिए, जो हमारे न्यू यूज़र्स हैं जो हमारी एल्बम एक्स को परचेस किए उन लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है जो परसों परचेस किए। जो ओल्ड यूज़र है, जो पहले से यूज कर रहे हैं, जो 1.0 एंड 2.0 यूज़ करें उन लोगों के लिए, और जो एल्बम एक्स यूज करते हैं उनके लिए ही है ये अपडेट। जो स्मार्ट कार्ड या स्मार्ट एल्बम या मैजिक कटिंग या एई फोटो कटिंग, इनमें से कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं और अपडेट के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं, सो वो अपडेट आपके लिए कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आप उस सॉफ्टवेयर के यूज़र हो ही नहीं, तो आप अपडेट आपको कहाँ से करवा के दें हम। तो बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, थोड़ा सा काम मैं दिखाना चाहता हूँ, फिर आपको प्रोसेस भी बताऊँगा कैसे आप परचेस करेंगे, और एकदम लास्ट में हम बात करेंगे कैसे आप अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करेंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में। सो यहाँ पे हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन में आ चुके हैं। अभी सॉफ्टवेयर की अगर बात करें एल्बम एक्स प्रो 3.0, और यूट्यूब पे भी कल परसों अपडेट हो गया है इसका फुल वीडियो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं यूट्यूब का लिंक दे दूंगा, आप जाके देख लीजिए। सो ये था न्यू सॉफ्टवेयर एल्बम एक्स 3.0 2.0 एंड 1.0 यूज़र को फ्री अपडेट दूंगा, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। इस सॉफ्टवेयर का फुल डेमो देखने के लिए आप वीडियो के नीचे जो लिंक दिया हुआ है एल्बम एक्स का फुल डेमो, वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग पहले सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे डेस्कटॉप पे मेरा ओपन करके रखेंगे, इसको डबल टैप करते हैं और हमारा सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पे स्टार्ट होने लगेगा। ये सॉफ्टवेयर CS3 से लेके CC2023 तक सपोर्टेड है। वेलकम टू एल्बम एक्स। अब देख ही सकते हैं एल्बम एक्स प्रो 3.0। यहाँ पे आपको कंपनी इन्फॉर्मेशन दिखाएगा थोड़ा सा। यहाँ पे हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है। अभी स्टार्ट करते करते और एक चीज मैं बता दूं, प्लीज स्टार्ट एल्बम एक्स प्रो। स्टूडियो लाइन इंडिया का नया ऑफिस का ओपनिंग हुआ है 1 जनवरी को। बहुत से लोगों वीडियो भी देखे हैं, यूट्यूब पे भी वो वीडियो अपलोड किया हुआ है। तो स्टूडियो लाइन इंडिया का नया ऑफिस आप कैसे विजिट कर सकते हैं या कैसे आप उनका एड्रेस निकाल सकते हैं, डायरेक्टली आपको गूगल पे चला जाना है। आप गूगल पे जाइए और जैसे आप गूगल पे जाएंगे यहाँ पे स्टूडियो लाइन इंडिया आपको सर्च कर लेना है। सो यहाँ पे आपको हमारी ऑफिस डिटेल्स मिल जाएगी। ये हम लोग का नया ऑफिस है और यहाँ पे आपको फुल्ली मैप भी मिल जाएगा, जहाँ से आप हमारी ऑफिस तक आने का डिटेल्स में रूट मैप जो है देख सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर जैसे कि स्टार्ट हो चुका है, यहाँ से आप फोटोशॉप को चालू कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 23 को चालू करूँगा, फोटोशॉप मेरा पहले से ओपन है, और डायरेक्टली यहाँ पे स्टार्ट एल्बम एक्स प्रो में क्लिक करूँगा। सॉफ्टवेयर यहाँ पे हमारा जो है चालू हो चुका है। अभी जैसे आप सॉफ्टवेयर को चालू कर लेंगे ना, ऐसे आप इसको रख दीजिए कहीं पर भी, ये मेन पैनल है, यहाँ से टोटल चीज़ ऑपरेट होगा। जैसे मैं एल्बम डिज़ाइन में जाऊँगा, सो ये एल्बम डिज़ाइन वाला सेक्शन यहाँ पे ओपन हो चुका है। अभी इसमें से मैं एक पेज आपको डिज़ाइन करके दिखाऊँगा, एक मैनुअल पेज। इसको जो पेज मेरा ओपन किया हुआ है इसको क्लोज करता हूँ। अभी हम लोग मैनुअल एल्बम डिज़ाइन में जाएंगे, टेम्पलेट डिज़ाइन। अभी यहाँ से एक 12x36 का पेज हम बनाएंगे। 12x36 किया, अप्लाई किया, एक पेज हम लोग का बन चुका है। ऐड बैकग्राउंड्स में क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग की बैकग्राउंड्स वाली फोल्डर जो है ओपन हो जाएगा। और यहाँ से हम अपने हिसाब से कोई भी एक बैकग्राउंड सिलेक्ट करते हैं, ये वाला बैकग्राउंड्स। बैकग्राउंड सिलेक्ट हो जाने के बाद डायरेक्टली हम लोग PhD फ्रेम इनपुट पे जाएंगे। ये मैं आपको मैनुअल डिज़ाइन करके दिखा रहा हूँ, अगर आप मार्केट PhD के ऊपर काम करते हैं तो एकदम ईजी एंड सिंपल है। सो यहाँ पे हम लोग कोई भी एक PhD फ्रेम लेंगे, ये वाली PhD फ्रेम मुझे अच्छा लग रहा है, तो ये वाला PhD फ्रेम हम ले लेते हैं, यहाँ पे रखते हैं इसको। ओके, फिर से PhD फ्रेम इनपुट में जाएंगे और दूसरा और एक PhD फ्रेम लेंगे,
यहाँ पे हम लोग एक 4 फ्रेम का PHD फ्रेम लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कोई भी 4 फ्रेम का PHD फ्रेम, ये वाला सही है, इसको ले लेते हैं। ले इसको हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। भी एडजस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग हम लोग का एक पेज बन के तैयार हो गया, कितना जल्दी में। इसमें फ़ोटो फिल करने के लिए आपको सिर्फ यहाँ से फ्रेम को सिलेक्ट करना होता है, एल्बम डिज़ाइन में जाना होता है, अभी फ़ोटो फिल में जाना होता है और अपने क्लाइंट्स की फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना होता है। सो यहाँ पे हम लोग की क्लाइंट्स की फ़ोटो मांग रहा है, हम अपने हिसाब से कोई भी फ़ोटो सिलेक्ट करेंगे। मैं डेस्कटॉप में कुछ फ़ोटो पहले से रखा हूँ, डेमो में जाएंगे और यहाँ से अपने क्लाइंट्स की जो है फ़ोटो हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। जो जो फ़ोटो मुझे अच्छा लग रहा है मैं वो फ़ोटो सिलेक्ट करके, बस आप लोग को दिखाने के लिए। यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। ओके ओके, सिलेक्ट कंप्लीट होने के बाद हमें बस ओके में क्लिक करना है। जैसे ओके में क्लिक करेंगे ये हम लोग की पेज बनना स्टार्ट हो गया। जस्ट सिंगल पेज में आप एक एक पेज डिज़ाइन कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा मुश्किल है नहीं। सॉफ्टवेयर के साथ फुल डेमो वीडियो मिलता है, फुल ट्रेनिंग का भी वीडियो मिलता है वो कैसे ओपन करेंगे। तो ये पेज आपका बनके तैयार। अभी प्लेस कट करेंगे, प्लेस कट सीसी वर्जन में क्लिक करेंगे। ये फीचर्स ओनली फॉर सीसी के लिए है, बाकी तो सॉफ्टवेयर CS3 से लेकर CC2023 तक आप सपोर्टेड है, आप कोई भी वर्जन का फोटोशॉप यूज कर सकते हैं। मैं डेमो में जाऊँगा, कोई भी एक फ़ोटो लूँगा जो यहाँ पर कट करके लगा सके ऐसा कोई फ़ोटो। सो कट करने के लिए यहाँ से कोई भी एक फ़ोटो मैं ले लूँगा, ये वाली फ़ोटो लेती हूँ और यहाँ पे जो जिस जगह पे मुझे ज़रूरत है उस जगह पे एडजस्ट करके बस एंटर में क्लिक करूँगा। और आप देख सकते हैं ये एक नॉर्मल फ़ोटो था जो यहाँ पे कट होके ऐड हो जाएगा। देखिए ऐसे करके आप जस्ट सिंगल क्लिक के अंदर अपना एल्बम डिज़ाइन जो है कर सकते हैं। ये एल्बम डिज़ाइन का डेमो वीडियो तो है नहीं, बस मैं थोड़ा सा बेसिक आपको समझाने की कोशिश किया सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। इसमें ऑटो डिज़ाइनिंग का भी ऑप्शन है, एक साथ 10 पेज 15 पेज 20 पेज का भी बना सकते हैं। उसका वीडियो आपको इस वीडियो के फुल डेमो वाले लिंक के थ्रू जाके देखना पड़ेगा जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे है। अभी बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर आप परचेस कैसे करेंगे। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में परचेस लिंक है, आप जैसे उस लिंक के थ्रू जाएंगे यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो जाएगा। प्राइस आप देख सकते हैं 1999 है, जिसमें आपको लाइफ टाइम अपडेट फ्री मिलेगा, 2000+ PHD मिलेंगे, 5000+ एलिमेंट्स मिलेंगे जिसमें मास्क, क्लिपआर्ट, टेक्स्ट बैकग्राउंड ये सब है। परचेज का बहुत इजी एंड सिंपल मेथड है, बाय नाउ पे जाना होता है, आपका नेम डालना होता है। मैं यहाँ पे अपना नेम डालूंगा और यहाँ पे ईमेल आईडी डालने के बाद आपको आपका कॉन्टैक्ट नंबर डाल लेना है। सॉफ्टवेयर में आपको फुल ट्रेनिंग, फुल डेमो विद इंस्टॉलेशन सपोर्ट वगैरह सब कुछ मिल गया। यहाँ पे थोड़ा 74 रुपीज़ GST दिखा रहा है, बस GST देना है आपको और यहाँ पे UPI में जाके स्कैन करके पे करना है। जैसे आप पेमेंट करेंगे एक लिंक ओपन होगा आपका कुछ इस तरीके का, जिससे आपको फाइल डाउनलोड करना है। फाइल आपको कैसे डाउनलोड करना है, जैसे कि आप एक नंबर वाले फोल्डर के अंदर गए, इसके अंदर देखिए फिर से 7 फोल्डर है। अभी सबके फोल्डर के अंदर अंदर जाना है और राइट क्लिक करके डाउनलोड करना है। जैसे ये कंप्लीट हो जाए नेक्स्ट वाले फोल्डर में चले जाइए, अभी उसके अंदर भी जाके 7GB अगर डाउनलोड करना है राइट क्लिक करके डाउनलोड, ऐसे करके आपको सेपरेट सेपरेट फाइल जो है डाउनलोड करना होगा। ऐसे बहुत से फाइल्स हैं, अगर रिसोर्स के बाद या ऑटो PHD के अंदर जाए तो यहाँ से बहुत से फाइल है। टोटल 58GB का डाउनलोड फाइल रहेगा। 58GB अगर आपसे डाउनलोड पॉसिबल नहीं हो रहा है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करके कुरियर के थ्रू भी मंगवा सकते हैं, उसका भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। बहुत ईजी एंड सिंपल तरीके से आप इसको परचेस कर सकते हैं। ये रह गया नया यूज़र आप कैसे परचेस करेंगे। परचेस के बाद जैसे फाइल डाउनलोड हो जाए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, इंस्टॉलेशन हम ऑनलाइन करवा देंगे। और अगर आपको लगता है सॉफ्टवेयर आपको मिल गया, इंस्टॉलेशन हमने करवा दिया, फिर डेमो वीडियो कहाँ से देखेंगे। आप जैसे सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करते हैं ना, मैं एक बार सॉफ्टवेयर को दोबारा स्टार्ट करता हूँ। ये सॉफ्टवेयर जब स्टार्ट होता है, इसको क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं। थैंक्स फॉर यूज। यहाँ पे जब सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो जाता है, देखिए एनी प्रॉब्लम बोल के एक ऑप्शन है ना, इसमें जैसे क्लिक करेंगे इसमें आपको सब फुल स्क्रीन डबल क्लिक इन मीडिया वीडियो मिल जाएगा। हर एक चीज का कलर करेक्शन, टेम्पलेट डिजाइन, फोटो रिटचिंग, हर एक चीज का यहाँ पे डेमो वीडियो दिया हुआ है, जिसको देख के आप अपने इंक्वायरी जो है पूरी कर सकते हैं, जो भी आपका डाउट है वो आप क्लियर कर सकते हैं। बहुत इजी एंड सिंपल है। सो अभी बात कर लेते हैं कैसे अब हम के सॉफ्टवेयर को अपडेट करेंगे, मतलब जो हमारे ओल्ड यूजर है जो एल्बमएक्स की 1.0 या 2.0 यूज कर रहे हैं, वो कैसे अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन में, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक है, ठीक है, फ्री अपडेट बोल के। उस फ्री अपडेट वाले लिंक के थ्रू आप जैसे जाएंगे कुछ इस तरीके का एक पेज ओपन होगा, ठीक है। इस पेज में जैसे आप आएंगे, फर्स्ट आपको आपका ईमेल आईडी देना है। यहाँ पे आपको आपका ईमेल आईडी
देना है। ईमेल आईडी देने के बाद फिर से आपको आपका नेम डालना है। मैं यहाँ पे नेम डाल दीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पे आपको व्हाट्सएप का जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर है वो डालना है। उसके बाद डेट ऑफ परचेज, कितने तारीख को आपने आपका सॉफ्टवेयर को परचेज किया था, कोई एग्जीबिशन ने किया हो, कोई ऑनलाइन किया हो, तो अपने हिसाब से आप अपना परचेज डेट यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे कि आप समझ लीजिए आपने अगस्त में 2024 में नहीं, उससे पहले 2023 में अगस्त में 3-4-5 को एग्जीबिशन हुआ था, आपने 4 तारीख को परचेज किया, तो आपने डेट दे दिया। अभी आप कौन से वर्जन यूज कर रहे हैं, 1.0 या 2.0? अगर आप 1.0 करते हैं तो 1.0 पे टिक कीजिए, अगर 2.0 करते हैं तो 2.0 में टिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट स्क्रीनशॉट या एक्सपो की बिल कॉपी मांग रही है। मतलब अगर आपने एग्जीबिशन पे लिया होगा तो एग्जीबिशन पे एक बिल दिया जाता है, उसका एक फोटो आपको चाहिए होगा। और अगर आपने हमें ऑनलाइन पेमेंट करके परचेस किया तो ऑनलाइन पेमेंट की जो स्क्रीनशॉट है आप वो भी यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। अटैच फाइल में जाइए, यहाँ से आपको ब्राउजर सेलेक्ट कर लेना है। अगर मोबाइल पे भी आप ये कर सकते हैं, मैं डेस्कटॉप में मेरा कुछ स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ था, मैं कोई भी एक स्क्रीनशॉट डालूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग कोई भी पेमेंट स्क्रीनशॉट, जैसे कि ये मेरा बिल कॉपी है, समझ लीजिए मैं अपना बिल कॉपी यहाँ पे ऐड करूँगा। ओके, ये ऐड हो रहा है, बिल कॉपी मेरा ऐड हो चुका है। फाइल से आप चेक कर सकते हैं कुछ गलत तो नहीं हुआ, बस आपको उसके बाद सबमिट में क्लिक कर लेना। और यहाँ पे जो है ये गूगल की वेरिफिकेशन है, वेरीफाइड कर लीजिए, और उसके बाद ये फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सबमिट हो गया, थैंक यू, योर एल्बम एक्स फ्री अपडेट रिक्वेस्ट हैज बीन सबमिटेड, स्टूडियो लैंड इंडिया टीम कॉन्टेक्ट यू, प्रोसेसिंग टाइम 3-5 वर्किंग डेज। 3-5 दिन का टाइम लग सकता है, क्योंकि हमारे जो यूजर्स हैं बहुत ज़्यादा है, हमें सभी को अपडेट करके देना है, और फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट है, मतलब एक बार में सब लोग फॉर्म को सबमिट करेंगे, आपको भी पता है। सो ये फॉर्म हम लोग वेरीफाइड करेंगे, वेरीफाइड करने के बाद जो ईमेल आईडी आपने पहले दिया उसी ईमेल पे आपको डाउनलोड लिंक जो है सेंड किया जाएगा। डाउनलोड लिंक जैसे आपको मिल जाए आपको फाइल डाउनलोड कर लेनी है। आपके व्हाट्सएप पे भी ये मेल लिंक जा सकता है, वो डिपेंडिंग ऑफ हमारी सर्विस कैसी चल रही है। अगर ज़्यादा लोग कांटेक्ट कर रहे हैं तो हम लोग व्हाट्सएप पे डायरेक्ट करेंगे, अगर आप देखेंगे आज कम लोग हैं तो हम लोग मेल करेंगे। सो वो आपको देख लेना है व्हाट्सएप पे आ रहा है या ईमेल पे आ रहा है। 3-5 वर्किंग डेज के अंदर आपको जो है ईमेल कर दिया जाएगा या व्हाट्सएप पे लिंक सेंड करवा दिया जाएगा। अगर ईमेल भी होता है तो व्हाट्सएप पे आपको मैसेज डेफिनेटली मिल जाएगा। तो तब आपको क्या करना है, उस लिंक के थ्रू जाना है, पूरी फाइल जो भी हम लोग भेजेंगे आपको वो डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद नॉर्मल सा 2 सेटअप है, 2 सेटअप को इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद कुछ भी नहीं चाहिए, आपका जो पुराना एक्टिवेशन कोड है उसी से ही वो एक्टिव हो जाएगा। बट जिस पीसी में आपका एल्बम एक्स इंस्टॉल है उसी में करना है, दूसरे पीसी में नहीं करना है। और एक फिर से मैं बताना चाहता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्मार्ट कार्ड, स्मार्ट एल्बम, मैजिक कटिंग, ए फोटो कटिंग या मैजिक कटिंग प्रो, इनमें से किसी भी यूजर इस फॉर्म को सबमिट मत कीजिए, ओनली फॉर एल्बम एक्स के यूजर ही कीजिए। हाँ, अगर आपके पास मैजिक कटिंग है उसके बाद आपने एल्बम एक्स लिया है तो आप कर सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपके पास मैजिक कटिंग है और आप एल्बम एक्स का फ्री अपडेट के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आप मत कीजिए, वो डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे करके आप अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं, बहुत ईजी एंड सिंपल होगा। वीडियो को अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर देना, आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं, हो सकता है हमारा वीडियो आपको अच्छा नहीं लगता, कोई बात नहीं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ही तो लाइक करेंगे, आप लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छा लगे। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट करके रखिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग एल्बम डिजाइन सॉफ्टवेयर रिलेटेड वीडियो, PHD टेम्पलेट रिलेटेड वीडियो और वीडियो एडिटिंग रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।